लॉर्ड कृष्णा नमन, लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के बारे में। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव लर्न दैट वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। आपने पहले क्या पढ़ा था कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट, रैपिड आगे पीछे है ना, रैपिड एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन आर कॉल्ड वाइब्रेशन। इसकी मीन पोजिशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। स्लोअर वाइब्रेशन आर कॉल्ड एसिलेशन, ऑसिलेशन, जो धीरे धीरे वाइब्रेशन होता है उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑन द सेम पद विद इट्स मीन पोजिशन इन द मिडिल इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। हैव यू केयरफुली वॉच अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, द स्विंग रिपीट इट्स अप डाउन एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन इन अ रेगुलर फैशन। द स्विंग्स मूव्स टू एंड फ्रो ऑन द सेम पथ विद इट्स मीन पोजिशन इन द मिडिल, द मोशन लाइक दैट ऑफ अ स्विंग्स इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। आपने झूला झूलते हुए बच्ची को देखा, आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर जो मोशन है वो कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, बाल क्लॉक, दीवार पे घड़ी हुई जो घड़ी होती है उसका पेंडुलम इसी तरह से चलता है ना। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें भी वाइब्रेशन इस तरह से होता है भाई, है ना। मोशन ऑफ द हार्ट मसल्स इन अ हेल्दी पर्सन, हमारे हृदय की जो मसल्स हैं उनके द्वारा जो मोशन है वह भी इसी तरह का मोशन है। व्हेन अ बॉडी अंडरगोज ऑन ऑसिलेटरी मोशन इट पास थ्रू अ पार्टिकुलर पोजिशन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियडिक मोशन। यानी कि ऑसिलेटरी मोशन जो है एक पीरियडिक मोशन है। एग्जाम्पल यानी कि एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया है, सस्पेंड अ मेटालिक बॉब अ स्मॉल सॉलिड स्फीयर ऑफ एनी मेटल्स फ्रॉम अ रिगिड सपोर्ट यूजिंग अ थ्रेड, मूव द बॉब टू वन साइड एंड रिलीज इट, द बॉब स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द बॉब इज ऑसिलेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक गोलक लटकाया गया है जिसमें इस तरह से है ना मोशन होता है, नीचे आपका एक पिंड यानी कि ए जो है रखा गया है। अब इसे ले जाके जब छोड़ोगे तो सी साइड में एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर बी में जाएगा, यानी कि बी ए सी, सी बी सी ए बी, इस तरह से चलता रहेगा इस तरह से, है ना। ऑसिलेटरी ऑफ द बॉब, आप ये कर सकते हैं। आपके पास यदि धागा है और आपके पास कोई मेटेलिक कोई पत्थर है या कोई कुछ भी है तो आप उसे करके दिखा सकते हैं, ऐसे वीडियो भी बना सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। ये वाली एक्टिविटी बहुत सिंपल है, ठीक है, करिए आप एक्टिविटी जल्दी से।